नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल IAS हिंदी में। देखिए, ये हमारा 65th BPSC प्रीलिम्स के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसी के सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफी देखते हैं और देखिए हम डेली करंट अफेयर उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हम डे वाइज ही काम करते हैं। जैसे मंडे हो गया, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो मंडे हो गया हिस्ट्री, उसी प्रकार से ऐसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे ऐसे सीरीज़ में ही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्राइडे वाला है और सैटरडे को हमारा क्या आना चाहिए, बिहार GK स्पेशल वाला, तो वो आपको संडे को सुबह सुबह मिल जाएगा। तो नेक्स्ट मंडे से हम लोग प्रॉपर अपने रूटीन पे आ जाएंगे। तो इस बार थोड़ा सा डिले चीज़ें हुई, तो एक दिन का डिले है हम लोगों का, खैर उतना चल जाएगा, हमें डेली वीडियो मिलने से मतलब है ना। तो चलिए, और एक चीज़ और आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम लिंक दिया रहता है और आपका कमेंट बॉक्स में भी वो रहता है, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, हमने पहला क्वेश्चन अपना शुरुआत करते हैं कि पूर्वोत्तर का कुंभ किस पर्व को कहा जाता है। देखिए, अभी ये मॉनसून सीजन में ही होता है और जून के महीने में ही अभी कल ख़त्म हुआ शायद, तो ये उस ये इस कुंभ को, पूर्वोत्तर का कुंभ किसको कहते हैं, अंबुबाची मेला को। ये देखिए कामाख्या मंदिर परिसर में होता है, वहीं पे ये मेला लगता है और ये कहाँ पे है, गुवाहाटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें काफ़ी तंत्र मंत्र और ये सब काफ़ी चीज़ें वहाँ पे इसके लिए भी काफ़ी फेमस है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पूरब का जो कुंभ मेला है उसको बोलते हैं अंबुबाची मेला, इंपॉर्टेंट है, इस तरह के फैक्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां, देखिए इस वाले सीरीज में हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे और आप लोगों को उससे काफ़ी कुछ क्लियर भी होगा, कंसेप्ट भी समझ में आएगा, टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और फैक्ट्स तो हमारे क्लियर होंगे ही। ठीक है, तो देखिए मत्स्यन क्षेत्र वो होता है जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएँ आपस में मिलती हैं, सागरीय जलधाराएँ। देखिए यहाँ पर वायुमंडलीय धाराएँ लिख दिया था, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सागरीय जलधाराएँ जहाँ पर मिलती हैं ठंडी और गर्म, वहां पे मत्स्यन का क्षेत्र बनता है। क्यों क्षेत्र बनता है ऐसा, क्योंकि जब ठंडी और गर्म जल धाराएं बन जाती हैं तो ऊपर बादल का रूप ले लेता है, जिससे आपका ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सन उसका समुद्र में प्रभाव कम होता है और फिर वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो पाते हैं और जिसकी वजह से वो मछलियों के खाने के रूप में बन जाते हैं और वहाँ मछलियाँ फिर आ जाती हैं, तो वो मत्स्यन का क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए हम एक बार यहाँ पे आपको जलधाराओं के बारे में एक बार फटाफट बता देते हैं, आप मुझे उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा इसमें। देखिए हम अटलांटिक की जलधाराओं की बात करें, ये देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट चल रही है, यहाँ से फिर ये जाती है इधर फिर फ्लोरिडा की करंट वगैरह होते हुए गल्फ स्ट्रीम बन जाती है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है और ये सभी क्या है, गर्म जलधारा है और जितनी यहाँ पे ब्लू कलर से आप देख रहे हैं वो सब ठंडी जलधारा है, जैसे लेब्राडोर की करंट है जो ठंडी है। ठीक है, यहाँ इरमिंगर और ग्रीनलैंड की जलधारा है वो, फिर उसके बाद यहाँ कैनारी की है और बेंगुला की जलधारा है। इरमिंगर हालांकि यहाँ से होके जाती है उस समय तक वो गर्म ही होती है, ग्रीनलैंड की जलधारा जो आती है वो ठंडी होती है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए प्रशांत में पेरू की जलधारा, ये ठंडी है, कैलिफोर्निया की है और ओयोशियो की। ठीक है, ये ठंडी जलधारा है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि हिंद महासागर में, तो ये ठंडी जलधाराओं का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेता है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है, तो आपको कनारी, लेब्राडोर, बेंगुला और उसके बाद ओयोशियो, ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये पूछ लेते हैं। फिर पेरू है, कैलिफोर्निया, ये पता होना चाहिए। और ठंडी जलधाराएं कहाँ है, लगभग 30 से 40 डिग्री के बीच में ही होती हैं अक्षांशों के मध्य। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 30 से 40 के बीच में। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से मिली है तो ये क्षेत्र क्या बन गया आपका, मत्स्यन का क्षेत्र। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखिए होता है ये क्षेत्र जो बनता है वो है मत्स्यन का क्षेत्र। तो आपको ये एक कंसेप्ट अगर पता रहता है तो कई बार मत्स्य से रिलेटेड अगर वर्ल्ड में क्वेश्चन कोई पूछ लेता है तो आप एलिमिनेट करने के लायक हो जाएंगे कि हाँ ये 30 से 40 के बीच में नहीं है या फिर यहाँ कोई ठंडी गर्म जलधारा मिल नहीं रही है तो ये क्षेत्र नहीं होगा, या फिर अगर कोई नाम दे दिया जो कि आपको पता है कि इसी क्षेत्र में है तो वो आप समझ जाएंगे ये तो कन्फर्म आंसर है। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज़ें बेसिक जरूरी हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत किस सीमा में कहाँ पे अवस्थित होता है, ओजोन परत कहाँ होती है। ठीक है, देखिए ये होता है समताप मंडल में, आपको वर्टिकली जो हमारा वायुमंडल है उसका डिवीजन कैसे है वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर जिसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर जिसको बोलते हैं ताप मंडल, मीजोस्फेयर मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर ताप मंडल, और उसके बाद है एक्सोस्फेयर जिसको आप बहिर्मंडल कह सकते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर देखिए यहाँ तक है, ठीक है, ये रहा और यहाँ ये आपका है स्ट्रेटोस्फीयर, इनके बीच में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो लेयर है ये है आपकी ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर कहाँ पाई गई, स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब समताप मंडल।
अब देख, और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी बादल है, जलवाष्प है, वो ज़्यादातर वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर में ही पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं, वो सभी कहाँ हो रही हैं, जलवायु इसी ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में ही हो रही है। और जो लास्ट होता है ना, ये जो लेयर है, वो उसको क्षोभ सीमा बोलते हैं, ट्रोपोपॉज। तो इसलिए जो भी हमारे जो प्लेन्स वगैरह होते हैं, ये इसके ऊपर उड़ते हैं, क्यों, ताकि उससे जो वायुमंडलीय जो प्रभाव है वो कम से कम उस पर उनके फ्लाइट पे प्रभाव पड़ सके, ठीक है। और एक चीज़ देखिए आप, और भी इसमें कई कई फैक्ट हैं, थर्मोस्फीयर जैसे हैं, इसमें आपका आयन मंडल, ये सब भी आयनोस्फीयर भी इसी का एक पार्ट है। तो आयनोस्फीयर में ही आपको पता होगा कि वो जो ऑरोरा की घटना होती है वो इसी में होती है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियोलिस, और साउथ हेमिस्फीयर में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिए, ऑरोरा बोरियोलिस भी पूछ लेता है तो ये किस गोलार्ध में होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में। चलिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी चीज़ें हमको सीखने को मिलेंगी। और आज का देखिए पेपर हो सकता है थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए टफ लगे, तो आज का जो हमारा कट ऑफ एक तरीके से है वो 20 में से 11 प्लस रहेगा, ठीक है। 10 से 11 अगर आप इस आज की स्थिति में नंबर इतना ला रहे हैं, तो आपका ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल पार्ट और प्रिपरेशन लगभग ठीक ठाक मानी जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है, ठीक है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे जैसे सूरज आकाश के ऊपर चढ़ता जाता है गर्मी बढ़ती है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, आप इसे हम समझने के लिए इसको उठाया गया है, ठीक है। ऊपर चढ़ता जाता है तो गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें पॉइंट्स देखते हैं जो कि काम का है, हर दिन कमोबेश एक सा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सूर्य आकाश के ऊपर चढ़ता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ तीव्र वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा जल्दी ही समाप्त हो जाती है। तो यह कौन सा जलवायु क्षेत्र होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ये इसका आंसर है विषुवतीय जलवायु, ठीक है। विषुवतीय क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे देखिए ये है क्षेत्र आपका, ये आपका समझ लीजिए 0 डिग्री जा रहा है, ठीक है। 0 डिग्री के ये लगभग ऐसे, तो इस यहाँ पे क्या है, हमेशा तापमान तीव्र रहता है। 0 डिग्री पे जो विषुवतीय जलवायु है उसकी जो दो विशेषताएं खास हैं, वो एक तो ये है कि वर्षा जो है वो डेली लगभग होती है आपका 2 से 4 बजे के बीच में, रेन हमेशा होती है, डेली होती है, और तीव्र वर्षा होती है। दूसरा, टेम्परेचर जो है ये भी हमेशा उच्च ही बना रहता है। ये दो विशेषताएं हैं जो कि विषुवतीय वर्ष क्षेत्र की हैं, विषुवतीय जलवायु की, ठीक है। और यहाँ पे गर्जन और चमक क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे संवहनीय वर्षा होती है, तीव्रता के साथ तापमान बढ़ता है और जलवाष्प ऊपर उठता है, और फिर उसके बाद बादल बनते हैं जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, कपासी मेघ, कपासी वर्षक मेघ, या फिर क्यूमुलोनिम्बस बादल, ठीक है। क्यूमुलोनिम्बस आपका बनता है जिसकी वजह से रेन जो है वो तेजी से होती है और गर्जन और चमक के साथ होती है। तो ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल के लिए, ट्रॉपिकल के लिए। फिर उसके बाद देखिए मेडिटेरेनियन जो होता है वो भूमध्य सागर के यहाँ पे 30 डिग्री के आसपास, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो 30 डिग्री के आसपास के जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भूमध्य रेखा जलवायु पाई जाती है। तो जैसे कौन सा, यहाँ पे देखिए पश्चिमी USA में, फिर उसके बाद यहाँ चिली, फिर उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट देखने को मिलता है। और पोलर आपको पता ही है, उसके बाद टेम्परेट है। एरिड में देखिए आपको जो आपकी ये जो मरुस्थली क्षेत्र है वहाँ पे एरिड क्लाइमेट पाया जा रहा है, ठीक है। माउंटेनियस वो जहाँ पे आपका माउंटेन वाले, जैसे यहाँ पे हिमालय है, रॉकीज इंडीज वाले क्षेत्र हैं, इन सब में हिमालयन जलवायु पाई जा रही है। तो ये हमारा रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको बोलेंगे, ठीक है। रिपोर्ट 2017-18 के अनुसार भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है। तो देखिए इसको कौन करता है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका रिपोर्ट जारी करती है, और इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और सेकंड नंबर पे कौन सा है, गोवा, गोवा के बाद है मणिपुर, गोवा एंड मणिपुर ये आपके सेकंड और थर्ड पे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। और सबसे कम कहाँ है, मेघालय में, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सबसे कम बेरोजगारी मेघालय में है।
तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अलग अलग ऋतुओं में दिन का समय और रात्रि के समय में भिन्नता होती है, उसका कारण क्या है। तो देखिए पहली चीज़ तो अलग अलग ऋतु की बात कर रहा है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है वो आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि परिभ्रमण की वजह से होता है, ठीक है। क्यों? जो रोटेशन होता है अर्थ का अपने ही अक्ष पे, उसकी वजह से तो दिन रात होता है, ठीक है। तो यहाँ दिन रात के समय में डिफरेंस पूछ रहा है और अलग अलग ऋतु, इसका मतलब ऋतु परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब आंसर हमारा जो भी होगा वो परिक्रमण से होगा, परिभ्रमण की वजह से होगा, ठीक है। और फिर उसमें हमें देखना है कि उस समय जो दिन समय का दिन और रात्रि का समय है उसमें क्यों चेंजेस होते हैं, क्यों अलग अलग होता है। तो देखिए पहली चीज़ तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, इसकी वजह से दिन और रात्रि बस बदलती है, समय में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्तीय रीति में परिक्रमण, तो एक ऑप्शन ये हमारा हुआ। दूसरा स्थान की अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी अक्षांश पे हो जो फर्क पड़ता है वो सूरज की वजह से पड़ता है, और सूरज की वजह से पड़ता है ना कि अक्षांश की वजह से, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो रहा है। लास्ट हम देखते हैं पृथ्वी के नियत अक्ष पर परिक्रमण, तो एक एंगल पर परिक्रमण कर रहा है तो उसकी वजह से, तो दोनों ही आंसर सही है, मतलब 2 और 4, ठीक है। देखिए ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बार इसका हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए ये नॉर्थ, और एक चीज़ और जानिए कि अगर अर्थ हमारा एक अक्ष पे झुकी हुई है तो पृथ्वी जो है उसका कोई एक भाग सूरज के नज़दीक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सूरज का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर सूरज इस तरफ है तो उसका प्रभाव कहाँ होना है, यहाँ होना है, और यहाँ पे उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सिंपल सा ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी जो सूरज है वो कहाँ से कहाँ तक परिभ्रमण कर रही है, 23.5 से 23.5 में, इसी के बीच में वो घूम रही है, और पृथ्वी हमारी झुकी हुई है। तो ये चीज़ें सिंपल सी चीज़ आप ध्यान रखिएगा, पहली चीज़। तो अब हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं, मतलब आप सिंपल सा अपने दिमाग में इंडिया को रखिए। तो पृथ्वी नॉर्थ हेमिस्फीयर में झुका हुआ है पृथ्वी, और सन उसके सीधे सामने है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हुआ, गर्मी हुई। फिर ये आ गया हमारा ऑटम, फिर उसके बाद नॉर्थ हेमिस्फीयर दूर हो गया, ठीक है। साउथ हेमिस्फीयर पे अब सूरज का प्रभाव पड़ रहा है, तो नॉर्थ में क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हो गया हमारा स्प्रिंग। तो ये सिंपल सा हो गया हमारा जो ऋतु परिवर्तन है वो किसकी वजह से, देखिए ऋतु परिवर्तन और प्रभाव बढ़ रहा है वो हो रहा है टिल्ट की वजह से और इस परिक्रमण की वजह से। अब हम देखते हैं रात्रि के समय और दिन के समय में अंतर क्यों हो रहा है। सबसे पहली चीज़, दिन का समय अगर अधिक है इसका मतलब सूरज की रोशनी ज़्यादा समय तक उस तरफ पड़ रही है, ठीक है। हम नॉर्थ हेमिस्फीयर की ही बात कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, सिंपल सा समझिए। इसका मतलब अगर इंडिया में दिन बड़ा हो रहा है तो सूरज ज़्यादा देर तक अपना प्रकाश पड़ रहा है, उसका सूरज का प्रकाश सबसे ज़्यादा पड़ रहा है। और अगर रात्रि बड़ी है इसका मतलब दिन में जो प्रकाश है सूरज का वो कम हो रहा है, और सूरज का जो भी ड्यूरेशन है वो कम होगा, ये सिंपल सा। अब देखिए आप 21 जून को देखिए, 21 जून को जो है सूरज कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे। तो कर्क रेखा पे जब सूरज डायरेक्ट पड़ रहा है, लंबवत पड़ रहा है, तो उस समय सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है अपने अर्थ पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो वो दिन हो जाता है हमारा सबसे बड़ा दिन। अब सूरज उसके बाद नीचे घुस चलना शुरू करता है मकर रेखा की तरफ। तो अब देखिए धीरे 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 जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वैसे वैसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में सूर्य का जो प्रकाश की अवधि होगी वो धीरे धीरे घटती चली जाएगी। अब प्रकाश की अवधि घटेगी इसका मतलब दिन छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। और अब हम 21 दिसंबर को देख लेते हैं सीधा, 21 दिसंबर को पृथ्वी जो है वो सीधे कहाँ पे आ जाती है, मकर रेखा पे, और मकर रेखा पे आ गई। इसका मतलब हमारे यहाँ नॉर्थ में क्या हो रहा है, ठंडी पड़ रही है। और जब सबसे दूर है पृथ्वी, सूरज जो सबसे दूर है मतलब मकर रेखा पे है, तो प्रकाश जो है सूरज का वो सबसे कम पड़ पा रहा है, इसका मतलब दिन जो होगा वो सबसे छोटा होगा, वहाँ पे रातें जो हैं वो बड़ी होंगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और एक चीज़ आप समझिए, वो भी आपका ये फिजिक्स का कंसेप्ट है कि सूरज मान लीजिए यहाँ पे जैसे है, और यहाँ से कोई भी बॉडी जा रही है किसी भी स्पीड से, जैसे पृथ्वी अपने नियत स्पीड से परिभ्रमण कर रही है, तो यहाँ पे देखिए उसी स्पीड से जल्दी ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। लेकिन और सूरज की रोशनी से वो जल्दी जल्दी वेरी भी कर रहा है, थोड़ी दूर बाद वो जल्दी से सूरज से दूर भी हो जाएगा। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप देखेंगे तो कि उसकी गति सेम ही होगी, लेकिन सूरज के का जो प्रभाव है वो काफ़ी देर तक सूरज का प्रभाव उस पर पड़ेगा। तो इस वाले पोर्शन में मतलब इलिप्टिकल वाला जो प्रभाव है उसको हम अगर देखने की कोशिश करें
तो जब ये एकदम सबसे दूर है तो, और नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ है हमारा, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा दूर होता जा रहा है, तो सूरज का प्रभाव सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ रहा है साउथ पे, तो साउथ में दिन हमारा बड़ा रहेगा और काफ़ी लंबे समय तक ये चलता रहेगा। ठीक है, देखें होप करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, लेकिन थोड़ा ज्योग्राफी है जो कि फिजिकल जब तक नहीं सामने नहीं होते वो चीज़ नहीं समझ में आता, हम कोशिश किए आप लोग को समझाने का, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से बोलेंगे तो ये चीज़ हम देख सकते हैं एक बार। बस सिंपल सा बेसिक कंसेप्ट जानिए एक बार कि रोटेशन की वजह से दिन रात हो रहा है और परिभ्रमण की वजह से ऋतु परिवर्तन हो रहे हैं और अक्ष पे झुके होने की वजह से दिन और रात में परिवर्तन हो रहा है और परिभ्रमण तो है ही। ठीक है, तो ये हम सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शर्करा उद्योग के उत्पाद की उप उत्पाद की उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए खोई आप लोग जानते होंगे जो गन्ने का रस निकालने के बाद बचता है, खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, बायोफ्यूल के रूप में। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि शीरे की को कृत्रिम रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के रूप में भरण स्टॉक प्रयुक्त किया जा सकता है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इस बार आप लोगों को पता होगा कि एक, तो इसमें देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, 1 और 3 कि प्रधानमंत्री द्वारा एक जीवन योजना चालू की गई है, JIVAN। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर योजना पे कोई भी क्वेश्चन आया प्रीलिम्स में तो निश्चित है इसकी आने की संभावना है, और यहाँ तक कि तो मेंस में भी इस बार आने का संभावना है, जैव ईंधन को लेके जीवन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, जैव ईंधन, JI, और फिर उसके बाद है VAN, VAN में बोलता है वातावरण अनुकूलन फसल अवशेष निवारण, मतलब हिंदी में ही है, पूरा नाम है, आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जीवन योजना है जो कि क्या कहती है कि 10% ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल का पेट्रोल में 2022 तक, ये है टारगेट इसका, 2022 तक हमें 10% ब्लेंडिंग कर देना है पेट्रोल में, जिससे आपको पता ही है कि पेट्रोल की खपत हमारी कम होगी तो हमारा आयात कम होगा तो रिजर्व हमारा बढ़ेगा, ये सब बात। अब इसको कौन सी मिनिस्ट्री इसको लागू की है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये सारा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा, सॉरी, फूट लूज उद्योग का एक उदाहरण है। ठीक है, फूट लूज उद्योग देखिए वो होते हैं जिनकी अवस्थिति, मतलब वो कहाँ पे अवस्थित किए जाएँ उद्योग, वो कच्चे माल के किसी भी प्रभाव से एकदम निरपेक्ष हो, उसका कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, या फिर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कैपिटल आपका कैपिटल हो गया, ये सब लैंड लेबर, ये सब इन सब से निरपेक्ष होता है, इनका प्रभाव फूटलूज उद्योगों पे नहीं पड़ता है। जैसे आप जानते होंगे कि वेट गेनिंग एंड वेट लूजिंग टाइप के रॉ मटेरियल होते हैं, कच्चे माल होते हैं। ठीक है, जिसमें ये वेट लूजिंग क्या होता है कि कच्चा माल जितना भी यूज़ हो रहा है और उत्पाद जो है उसका जो भार है वो घट जाए, तो वेट लूजिंग है। वेट गेनिंग में क्या है, कच्चा माल जो भी यूज़ हो रहा है उसका जो उत्पाद बन रहा है उसका वेट बढ़ जा रहा है। तो आप समझिए, अगर यहाँ वेट बढ़ रहा है उत्पाद का, इसका मतलब उत्पाद को जो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो महंगा पड़ेगा, इसका मतलब ये कहाँ पर अवस्थित होगा, मार्केट के पास, ताकि उत्पाद को डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया जाए, कहीं ट्रांसपोर्ट करके मार्केट में न लाना पड़े। लेकिन वेट लूजिंग जो होगा उसमें उत्पाद का तो मात्रा घट जा रहा है, लेकिन जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, तो इस जगह पे इंडस्ट्री कहाँ पे लगेगी, रॉ मटेरियल के पास, ताकि हमें वहाँ से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन न करना पड़े और कॉस्ट हमारा बचे और हम प्रोडक्ट को मार्केट लेके जाएंगे। तो ये रहा आपका इस वेट लूजिंग एंड वेट गेनिंग का। लेकिन फूट लूज में क्या है, न तो वेट घटता है न तो वेट बढ़ता है, मोर और लेस कांस्टेंट रहता है या उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सॉफ्टवेयर, इसमें देखिए रॉ मटेरियल से इसका कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन तेल शोधन में आपको पता है जो कच्चा तेल है वो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो उसका इफेक्ट पड़ता है कच्चे माल के। चीनी में तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है गन्ने की वजह से, क्योंकि ज़्यादा दूर ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसका जो रस है वो सूख जाता है और सुक्रोज वगैरह की मात्रा कम हो जाती है। सेम चीज़ एल्यूमिनियम में भी है, बॉक्साइट है उसका, उसको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग भारत सरकार द्वारा स्कूलों के छात्रों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है। देखिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता में के साथ जो खेल को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसका आंसर है स्कूल शिक्षा समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा को लागू किया गया है। इसमें क्या किया गया है कि
पहली बार जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें खेल, शारीरिक गतिविधियां, योगा, इन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। और इसमें आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान नंबर एक योजना, सर्व शिक्षा अभियान, दूसरी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और उसके बाद तीसरा शिक्षक शिक्षा, इन तीनों को मिला के एक समग्र शिक्षा योजना बनाई गई है और इसमें खेल को भी महत्व दिया गया है पहली बार। तो इसलिए शिक्षा को, इस नीति को आप जरूर याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें। समग्र शिक्षा योजना बिल्कुल नई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण गंगोत्री क्या है? दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में के निकट हिंद महासागर में द्वीप नहीं, बिल्कुल नहीं, गंगोत्री में गंगा उद्गम नहीं, अंटार्कटिका में भारत का ये शोध केंद्र है, ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ बी, ध्यान रखिएगा। इसमें आप एक चीज़ और जान लीजिए कि सबसे पहला ये हमारा जो था दक्षिण गंगोत्री, ये पहला हमारा रिसर्च स्टेशन था अंटार्कटिका पे, जिसको बाद में ये मतलब इसमें बरीड हो गया था आइस में, फिर इसको रिजोवेनेट करके इसको भारतीय स्टेशन का नाम दिया गया। क्या था? भारतीय स्टेशन। और अभी हमें रिसेंटली 2012-15 में मिला है मैत्री स्टेशन। तो हमारे पास अभी रिसेंट में, करंट में कौन दो स्टेशन है रिसर्च स्टेशन हमारे? भारतीय और मैत्री। और एक चीज़ आप देख लीजिए, रॉस सी, ये भी कई बार पूछा जाता है कि रॉस सी कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए कि अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका सी में। फिर एक चीज़ और ये भी याद रखिए कि लार्सन सी शेल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था पहले, कि ये कहने, ये कहा जा रहा था कि ये टुकड़ा जो है ये टूट रहा है, तो इससे काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है पिघलने, और फिर उससे काफ़ी इसका इफेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए वो भी आप फैक्ट याद रखिए, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन दो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को के धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है? देखिए इसका आंसर है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ये भी ये नॉर्मल क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि जो दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग डी हिमालयन रेलवे DHR जो है, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में, इसको धरोहर के रूप में चिन्हित किया गया है, इसी का एक भाग है सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जो रेलवे स्टेशन है। और इसमें खास बात आपको पता होगा कि इसका जो गेज है नैरो गेज है, 2 फुट के ही लेंथ में इसका गेज है, तो इस वजह से ये आपका धरोहर के रूप में भी है, और सिर्फ इंडिया में यहीं पर, और बहुत कम ही जगह पर है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अच्छी जगह है दार्जिलिंग, आपको यहाँ घूमने भी जाना चाहिए, टॉय ट्रेन वगैरह यहाँ की बहुत फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के में कौन से स्थान पे है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तृतीय स्थान पे है, ठीक है। पहले पे कौन है? हमारा यूपी। दूसरे पे क्या है? तुम्हारा बिहार, ये महाराष्ट्र। और तीसरे पे क्या है? आपका बिहार, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कि कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कुलगाड़ी में देखिए सोने की खान के लिए फेमस है, ठीक है। कुलगाड़ी है कहाँ पे? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और देखिए एक है आपका ये कुलगाड़ी हो गया, फिर उसके बाद एक है किम्बरले की खान आपको पता है ये काफ़ी फेमस है हीरे और सोने दोनों के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं अगला, कि विश्व में परमाणु बिजली घर सबसे पहले कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए पर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो सबसे पहले USA में ही लाया गया था, और इसके बाद कुछ सालों के बाद परमाणु बिजली भी स्टेशन यहाँ पे स्थापित किया गया, तो इसका आंसर USA। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको फैक्चुअल मिलते हैं, उसका कोई और छोर नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको 80% 90% क्वेश्चन फैक्चुअल मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रैंड बैंक कहाँ पे स्थित है? ग्रैंड बैंक देखिए कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, जी नहीं, पश्चिमी और नहीं, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे है, ठीक है। इसका आंसर सी है। हम देख लेते हैं कहाँ पे है ग्रैंड बैंक, ये देखिए ग्रैंड बैंक आपका यहाँ पे है, ये है आपका न्यूफाउंडलैंड में आपका ग्रैंड लैंड है, ये रहा कनाडा यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। आपको पता है यहाँ से लेब्राडोर की जलधारा, ये देखिए लेब्राडोर चैनल, लेब्राडोर धारा आ रही है ठंडी, और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम आ रही है। तो आपको अब यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे कौन सी, किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि होती होगी, है ना। अगर आप पिछले देखे होंगे तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर आपको बता देते हैं कि मत्स्यन यहाँ पे सबसे बड़ा क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ठंडी और गर्म जलधारा मिल रही है, तो यहाँ पे मत्स्य का क्षेत्र बनेगा। चलिए वो बहुत ही फेमस मत्स्यन क्षेत्र है ग्रैंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? नवनियतिवाद देखिए किया था
जी टेलर ने, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, जी टेलर जो है ये नियो डिटर्मिनिज्म लाए थे। और डिटर्मिनिज्म में क्या होता है नियतिवाद में, कि हमारे मनुष्य की सभी गतिविधियां जो हैं वो प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित होती हैं, इसको नियतिवाद कहते हैं। और यही है प्रकृति नियतिवाद, जिसमें और हार्डलाइनर जिस जो लोग आ जाते हैं, जैसे ये सैंपल है, ये USA की हैं ज्योग्राफर, ये प्रकृति नियतिवाद के लिए जानी जाती हैं, ठीक है, नेचुरल डिटर्मिनिज्म, इनको जानते रहिए सैंपल के बारे में। टेलर जो है इन्हीं को वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है, नव नियतिवाद, ये कहते हैं कि प्रकृति कुछ संभावनाएं हमारे सामने रखती है और मनुष्य उसको अपने अनुसार फिर प्रयोग करता है, तो ये है नव नियतिवाद। जो आप टेलर का नाम याद रखिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत पूछा गया है GS के क्वेश्चन में, वो किसका है आपका, वेबर का, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, कुछ पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो हमें उसके लिए भी तैयार, और ये वो क्वेश्चन है जो कि सिर्फ ज्योग्राफी ऑप्शनल के ही लोग कर पाते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं उपन्यास द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, किसके लेखक कौन है, ये है मीनाक्षी लेखी, जो कि BJP की वर्तमान सांसद हैं, दोबारा सांसद बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है, व्यस्ततम समुद्र पत्तन है, ये है योकोहामा। योकोहामा की आप लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए योकोहामा जो आपका एकदम टोक्यो के बगल में है, इसी वजह से आप एक तरीके समझिए कि योकोहामा सबसे व्यस्ततम पत्तन यहाँ का है। और आपको पता होगा कि जो जापान है वो चार आइलैंड, बड़े आइलैंड को मिला के बना हुआ है। सबसे पहला क्या है, होकाइडो, इसको होकाइडो बोलते हैं, होनशू बोलते हैं, शिकाकू बोलते हैं, फिर उसके बाद आपका क्यूनशू बोलते हैं, ये आप पूरा इसको अच्छे से याद रखिए, क्यूशू, शिकाकू, फिर उसके बाद होनशू एंड होकाइडो, ये चारों आइलैंड आपको याद होने चाहिए क्रम से, ठीक है, H, फिर उसके बाद SS, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब उसमें आप देख सकते हैं SNK, क्यूशू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक कपूर प्राप्त होती है, अच्छा इसमें आपको बाकी इसके नियरेस्ट कंट्रीज भी आपको बता दें, देखिए इधर है रशिया, फिर उसके बाद यहाँ चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और बीच में कौन सा, सी ऑफ जापान, और ईस्ट सी इसको बोलते हैं, फिर उसके बाद नीचे जो है आपका ईस्ट चाइना सी उसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब भी चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि ये सी है तो कहाँ पे है, कौन से देश उस लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक कपूर क्या है, कपूर देखिए आपको पता, ये मतलब अलग चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि चीन और जापान में एक वृक्ष से निकला हुआ तरल पदार्थ है कपूर, जिसको कैम्फर बोलते हैं, और इसका जो वृक्ष है उसमें कैम्फर वर्ड आता भी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोई कैम्फोरा करके कोई एक वृक्ष है, उसी से ये लिक्विड निकलता है, वही होता है आपका प्राकृतिक कपूर, और ये कहाँ मिल रहा है, चीन और जापान में, ये भी चीज़ ध्यान रखिए, चीन और जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, तो कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फूटलूज, और वो है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, लोहे इस्पात के लिए आपको पता है आयरन, इसको आयरन ओर, बॉक्साइट, इन सब का बहुत, डोलोमाइट, इन सब का जरूरत है, शर्करा के लिए आपको पता ही है, सीमेंट पता ही है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इसका आंसर हो गया। तो आप लोग अपना आज का कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताइए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें 10 का स्कोर पार कर जाएंगे, और अपना स्कोर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में अपना मिलते हैं कल संडे को मॉर्निंग में।